दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। एक इम्पोर्टेंट आदेश है, लोक शिक्षण संचालन भोपाल की तरफ से जारी हुआ है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर जो अतिथि शिक्षक 2024-25 पर ज्वाइन कर लिए हैं, ये ज्वाइन कर रहे हैं या करने वाले हैं, वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। आदेश जारी किया गया है, उच्च पद प्रभार से जो प्रमोशन हुए हैं उन प्रमोशन से नई संस्थाओं पर जो रेगुलर शिक्षक हैं उनकी ज्वाइनिंग को लेकर, जो ज्वाइनिंग अभी हाल फिलहाल में 7 दिन तक करानी थी, यानी जिनके आदेश जारी कर दिए गए हैं, वह ज्वाइनिंग अब आगे बढ़ा दी गई है। यानी अब अतिथि शिक्षक 17 तारीख के बाद भी अपने को सेफ नहीं समझेंगे। आपको कंप्लीट आदेश दिखाएंगे। फाइनली आपके सामने एक महत्वपूर्ण आदेश है, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल की तरफ से जारी हुआ आदेश है। 13/8/2024 को जारी हुआ आदेश है। आदेश अतिथि शिक्षकों के लिए यहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन जो रेगुलर शिक्षक है उनके लिए बहुत अच्छा आदेश है। पूरा आदेश आपको यहाँ पर दिखाएंगे, ऑफिशियल नंबर देख सकते हैं, प्रति में सभी जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के लिए जारी हुआ है। विषय में उच्च पद प्रभार प्राप्त लोक सेवकों को कार्य भार ग्रहण करने के लिए समय सीमा दिनांक 20/8/2024 तक वृद्धि करने विषय के, यानी जो ज्वाइनिंग रेगुलर शिक्षकों की उच्च पद प्रभार होने के कारण नवीन संस्थाओं पर नई स्कूलों पर आवंटित स्कूलों पर 7 दिन के अंदर करनी थी। मान लीजिए किसी का आदेश 10 तारीख को जारी हुआ है, उसको अब 7 दिन यानी 17 तारीख तक ज्वाइनिंग करनी थी, अब वहां पर ज्वाइनिंग की तारीख को बढ़ा दिया गया। यहां पर देख सकते हैं ज्वाइनिंग अब 20/8/2024 तक यहाँ पर कर दी गई है, यानी अब उनको और ज्यादा समय दे दिया गया है। तो यहाँ पर बताया है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत वर्तमान में उच्च पद प्रभार प्रक्रिया अंतर्गत उच्च पद प्रभार लोक सेवकों को कार्य मुक्ति और कार भार ग्रहण कार्यवाही जिलों में प्रचलन में है। जिलों द्वारा कराया गया है कि कतिपय तकनीकी कारणों से पोर्टल पर ऑनलाइन कार मुक्ति और कार ग्रहण प्रक्रिया में कठिनाई हो रही है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए उच्च पद प्रभार प्राप्त लोक सेवकों को कार्यभार ग्रहण की समय सीमा दिनांक 20/8/2024 तक वृद्धि की जाती है। आयुक्त के द्वारा अनुमोदित आदेश है और के द्विवेदी जो कि संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश है, 13/8/2024 यानी कि आज इसको जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है प्रतिलिपि के रूप में। आदेश इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए और रेगुलर शिक्षकों दोनों के लिए। मध्य प्रदेश के जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी जो ज्वाइनिंग की तारीख है 2023-24 वाले जो काम करने वाले अतिथि शिक्षक थे उनका 24-25 में ज्वाइनिंग की तारीख अंतिम तारीख 17/8/2024 थी। लेकिन यहाँ पर आप के साथ एक बड़ा खेला होगा। मान लीजिए कोई अतिथि शिक्षक ज्वाइन कर लिया है 12 तारीख से अमूमन ज्वाइनिंग शुरू की गई है अतिथि शिक्षकों की। अब 12 को ज्वाइन कर लिया, 17 को मान लीजिए कोई ज्वाइन कर लेता है अतिथि शिक्षक के रूप में जहां पर पोर्टल पर पद है, और 20 तारीख को शिक्षक आ जाता है रेगुलर, तो ये बताइए कि उस अतिथि शिक्षक को ज्वाइन कराने का कोई मतलब नहीं है। कोई 12 को भी ज्वाइन कर लिया है तो 20 तारीख को शिक्षक उसकी पोस्ट पर आएगा, कोई मतलब नहीं है। यानी कुल मिला के सरकार ने अतिथि शिक्षकों को एक जोकर की तरह इधर से उधर घुमाने का काम किया है वर्तमान सत्र 2024-25 में। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर देंगे। धन्यवाद।